विधानसभा पूरनपुर में सपा के प्रत्याशी आरती महेंद्र का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा कि विधानसभा पूरनपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा गलत प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, जिसका विरोध करते ग्रामीणों ने कहा कि पूरनपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से कदावर नेता रहे राम कुमार पासवान, जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी समय से कार्य कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए हर समय पूरी ताकत से मदद करते रहे। वह जब 2022 चुनाव नजदीक आ गए तो ऐसे में पूरनपुर विधानसभा से आरती महेंद्र को समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आरती महेंद्र समाजवादी पार्टी की जो पूरनपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। आपका मोहम्मद सरताज, सरताज जी, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है किस मामले को लेकर हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि जैसे पासवान जी के लगभग 60-65 हजार वोट है। कौन पासवान? नाम होगा राम कुमार पासवान, और जिन्हें जो टिकट मिला है और हम भी उनके साथ हैं, सारे जितने मुसलमान भाई यहाँ के हैं सारे उनके साथ हैं। किसके साथ हो? राम कुमार पासवान भाई के, और उन्हें टिकट मिला है, उनके खाली 2500 वोट है। किसके 2500 है, नाम बताओ? आरती के, आरती महेंद्र के, उसे हटाया जाए इसलिए राम कुमार पासवान को टिकट लाया जाए। कौन सी विधानसभा का मामला है? पूरनपुर। नाम है आपका? राम बहादुर। राम बहादुर जी, क्या मामला है यहाँ पे, धरना प्रदर्शन हुआ है आज? धरना प्रदर्शन ये है कि हम पासवान करीब 65 या 70 के लपेट में हैं, और वो आरती महेंद्र उसके 2500 वोट हैं, और यहाँ पर राम कुमार पासवान की फुल बहुमत से अगर मतलब जीत होती है इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि अगर उसके 2500 वोट हैं तो उसका कोई चांस ही नहीं है, और उनको बिना चांस लिए और अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको टिकट कर दिया, बल्कि इनका अच्छा खासा यहाँ पर मतलब इसका वो था और इनका टिकट हुआ ही नहीं, इसी वजह से धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम भी मतलब राम कुमार पासवान के सहयोग में हैं, उनको अगर टिकट दिया जाता है तो अच्छी बात ही नहीं, तो हम समाजवादी पार्टी को नहीं टिकट देंगे, मतलब वोट नहीं देंगे उनको, वही बात है, इसी वजह से यहाँ धरना प्रदर्शन। हम मतलब पूरे जितने 129 पूरनपुर विधानसभा से क्षेत्रवासी हैं सब यही कह रहे हैं कि राम कुमार पासवान को टिकट दिया जाए, बल्कि आरती वर्मा को जो है उसका टिकट काट दिया जाए। कौन से गांव का मामला है ये? मैनाकोट का है, मतलब मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, अदरवाइज जितने भी गांव है वहां से जा। धरने में कितने लोग होंगे? धरने में करीब मेरी समझ में करीब 100-150 लोग हैं इस समय मौजूद। क्या नाम है आपका? किसका विरोध किया आप लोगों ने? आरती देवी। क्यों विरोध किया? क्या विकास नहीं हुआ यहाँ? नहीं। अब क्या समस्या है? समस्या यही है कि उसका टिकट काटा जाए, पासवान जी के दिया जाए टिकट। कुमार पासवान। कौन सी विधानसभा का मामला है? 129 से। क्या नाम है आपका? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जी, धरना प्रदर्शन किया है आप लोगों ने, क्या ये पूरा मामला है? हमने इसीलिए कहा है हमें बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें अपना प्रत्याशी पूर्ण का ही चाहिए, श्री राम कुमार पासवान जी का चाहिए। तो टिकट तो हो गया है आरती जी, आरती जी का टिकट हो गया, उन्हें हटाने की कोशिश हटाया जाए और राम कुमार पासवान जी को लाया जाए। तो ये तो अध्यक्ष जी का जो है निर्णय है, किसी को टिकट दिया है। अब उनसे अनुरोध करता हूँ कि आरती अपने ब्लॉक की नहीं है, उन्हें हटाया जाए, श्री राम कुमार जी का 65 हजार लगभग वोट है, इन्हें लाया जाए। समाजवादी में कितने समय से वो जुड़े हुए हैं? करीब उन्हें 20 साल हो गए हैं, और 2005 में सदा जिला पंचायत भी रह चुके हैं। कोई पदाधिकारी बनाया गया था? उन्हें कोई पदाधिकारी अभी नहीं बनाया गया है, इसी के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि उन्हें टिकट देने का अनुरोध करें। क्या नाम है आपका? मुखिया। मुखिया जी, क्या समस्या थी आप लोगों ये नारेबाजी की है, क्या मामला है पूरा? हमारी समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो प्रीतम राम जी को लमसम 70-75 हजार वोट के आसपास मिला था, तो हम लोगों ने वोट डाला मगर उसका कोई नतीजा नहीं मिला है, और उस नतीजे के बाद में बीजेपी की सरकार बनी है और इतनी महंगाई हुई है कि गरीब आदमी परेशान है, किसान भी परेशान है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब जो समाजवादी पार्टी में जो हमारे राम कुमार पासवान जी हैं, जो जिला पंचायत 2005 में रह चुके हैं और जो 20 साल से समाजवादी में जुड़े हुए हैं, समाजवादी का काम कर रहे हैं, बड़ा दिलो जान से और बहुत मेहनत से समाजवादी का काम करते हैं, और उन्होंने अपनी बूथ कमेटी भी वहाँ भेजी, मगर दरअसल कि हमारे राम कुमार पासवान जी का टिकट काट के और इन्हें आरती महेंद्र को टिकट करा है। हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अपना वोट सक्षम जगह डालेंगे, अच्छी जगह डालेंगे, प्रत्याशी दमदार होना चाहिए, हम कमजोर प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। अगर राम कुमार पासवान जी का टिकट हुआ
तो हम समाजवादी को वोट देंगे। अगर राम कुमार पासवान जी का टिकट नहीं हुआ तो समाजवादी को हम वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।